जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 12वीं बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए है। सब्जेक्ट जो है वो आपको हिस्ट्री है, और हिस्ट्री का जो 13वां लेसन है उसका यह आपको सीरीज का जो है वो आपको 6ठा वीडियो है। और इससे प्रीवियस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसे आप देख लेंगे। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है वो आपको क्या कह रहा है, इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, क्वेश्चन के साइज को बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको यह स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। पहला प्रश्न जो है काफी रोचक प्रश्न है और आपके एग्जाम में जो है कई बार यह प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, यह हमारा प्रश्न है। ऑप्शन दे रहा है आपको चैम्बरलेन, ऑप्शन बी जो दे रहा है वो आपको विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी लॉर्ड एटली और ऑप्शन डी मैकडोनाल्ड। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वह आपको विंस्टन चर्चिल थे, और इसी विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कौन कहा था, तो हम क्या कहेंगे, विंस्टन चर्चिल। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विंस्टन चर्चिल का एक और बयान आया था, उसने गांधी जी के बारे में कहा था कि जब हम दुनिया में हर कहीं जीत रहे होते हैं तो ऐसे परिस्थिति में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। तो यह भी कथन जो है वो आपको विंस्टन चर्चिल का है, और वह महात्मा गांधी के संदर्भ में मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो थे वो आपको कहे हुए थे। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। उसके बाद ऑप्शन सी दे रहा है लॉर्ड एटली। तो देखिए, लॉर्ड एटली जो है वो भारत के स्वतंत्रता के समय, क्या है, भारत के स्वतंत्रता के समय जो थे वो आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और याद रखिएगा कि लॉर्ड इटली का जो संबंध है वो आपको लेबर पार्टी से है। किस पार्टी से है, लेबर पार्टी से। तो इस चीज को याद रखना है। वहीं आपको विंस्टन चर्चिल जो है इसका जो संबंध था वो आपको कंजर्वेटिव पार्टी से, किस पार्टी से है, कंजर्वेटिव पार्टी से इसका संबंध था। तो यहाँ से एक चीज हमें सीखने के लिए और भी मिल गया, जैसे कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी यह किस देश का जो है आपको राजनीतिक दल है, तो हम क्या कहेंगे, जानते हैं ब्रिटेन का है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। फिर है आपको ऑप्शन नंबर डी में जो है आपको रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इस रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा किए थे, अर्थात सांप्रदायिक पंचायत की। किसी घोषणा किए थे, सांप्रदायिक पंचायत की। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने किए थे, तो क्या कहेंगे, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा हुई थी वो आपको 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुई थी। तो साथियों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा है वो आपको क्यों हुई थी। तो हिंदुओं से दलितों को अलग करने के लिए ब्रिटेन सरकार ने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत सांप्रदायिक पंचायत के क्या किए थे, क्या आपको घोषणा किए थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 13 नंबर प्रश्न है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है वो आपको क्या कह रहा है, इसे हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसे बड़ा कर देते हैं और आप लोग इसे बढ़िया से क्या करेंगे कि देखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ, और जहां नहीं दिखे आप लोग हमें बताएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, समझिए। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का, क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है हरिपुरा, ऑप्शन बी कह रहा है पटना, ऑप्शन सी कह रहा है रांची और ऑप्शन डी कह रहा है भागलपुर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हरिपुरा हो जाएगा। और ये जो हरिपुरा है यह आपको गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में, ठीक है ना। और हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वह कौन किए थे, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वह आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस जी को हम लोग नेताजी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है कब कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो एक बार ये 1938 में बने थे। कहाँ बने थे, तो हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है ना। हरिपुरा है कहाँ, तो वह आपको गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में। फिर सुभाष चंद्र बोस जी जो है आपको 1939 में भी कांग्रेस के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। और यह
अधिवेशन जो हुआ था साथियों वो आपको त्रिपुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में। और ये त्रिपुरी जो है वो आपको मध्य प्रदेश में, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जो होते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो होते हैं वो आपको जीतते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा किसे हरा कर जीतते हैं, ठीक है ना? तो ये गांधी जी के जो समर्थक उम्मीदवार होते हैं पटाभी सीतारमैया उन्हीं को हरा कर ये क्या होते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि गांधी जी से इनका मतभेद हो जाता है, क्योंकि गांधी जी का कहना होता है यह पटाभी सीतारमैया की हार नहीं है, हमारी हार है। फिर आपको क्या होता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो होते हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे देते हैं। और उसके बाद 1939 में ही क्या करते हैं कि आपको फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या करते हैं कि आपको गठन करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है वो किसने किया था, तो हम कहेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कब किए थे? तो आपको 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद। तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिए तब कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो आपको कौन बने थे? तो वे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए आपके बिहार बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से वो समझिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बने थे? तो वो आपको 1938 में जो कि हरिपुरा अधिवेशन में बने थे, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। त्रिपुरी है कहाँ? तो आपको मध्य प्रदेश में है। और साथियों मध्य प्रदेश को हम लोग हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं? हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से। तो यहाँ से इस चीज को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि हार्ट ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपको मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। क्या है? एमपी। और इसी में एक प्रश्न और पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि हार्ट ऑफ एशिया जो है वो आपको किसे कहा जाता है। तो हार्ट ऑफ एशिया जो है वो आपको अफगानिस्तान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अफगानिस्तान को। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? क्योंकि अफगानिस्तान की जो विशेष भौगोलिक स्थिति है इस कारण से इसे हम लोग हार्ट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम पूछेंगे हार्ट ऑफ इंडिया तो हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बने थे? 1938 में। किस अधिवेशन में बने थे? हरिपुरा अधिवेशन में। और वहीं आपको 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी बने थे। किसको हरा कर? तो आपको पटाभी सीतारमैया को हरा कर। और पटाभी सीतारमैया जो थे वो कौन थे? तो कांग्रेस समर्थक एक उम्मीदवार थे। और इसके हारने के बाद क्या होते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि ये पटाभी सीतारमैया की हार नहीं है, हमारी हार है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे देते हैं और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या करते हैं? गठन करते हैं। और नेताजी के त्याग पत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं वो आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो इन सारे चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या कह रहा है इसे आप लोग देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन के साइज को बड़ा कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता रहता है कि सर क्वेश्चन हमें दिख नहीं रही। देखो भाई अब तो क्वेश्चन सबको दिखता होगा, ठीक है ना? देखिए क्या कह रहा है समझिएगा। पहले कह रहा है कि भारत छोड़ो का नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए कह रहा है वी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी कह रहा है आपको जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी कह रहा है महात्मा गांधी ने, और डी कह रहा है इनमें से किसी ने भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो जाएगा आपको भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वो आपको महात्मा गांधी। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि बताइए भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब से कब तक चला था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपको 1942 से लेके 1944 तक चला था, ठीक है ना? और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने एक नारा दिया था करो या मरो का। तो देखिए गांधी जी के द्वारा भारत में चलाए गए जो कुछ प्रमुख आंदोलन है उसके बारे में जान लीजिए, ठीक है ना? तो गांधी ने सबसे पहले भारत में जो आंदोलन चलाए थे, ठीक है ना, वो था आपको चंपारण सत्याग्रह। क्या है? चंपारण सत्याग्रह। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि गांधी के द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में जो किया गया था वो आपको कहाँ किया गया था? चंपारण में। उसके बाद जो है दूसरा वह है आपको असहयोग आंदोलन। क्या है? असहयोग आंदोलन, यानी कि जो बड़े बड़े आंदोलन है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन। हालांकि इससे पहले गांधी जी आपको खेड़ा किसान आंदोलन और आपको अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन का भी नेतृत्व किए थे 1918 में, इसे भी आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है आपको जो एक बड़े आंदोलन चलाए थे वह था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था? सविनय
अवज्ञा आंदोलन, तो इन चीजों को भी साथियों आपको याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि गांधी के द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन जो थे वो कौन कौन थे। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और एक जो है वो आपको भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? एक प्रश्न, ठीक है ना, कि बताइए चंपारण सत्याग्रह जो है वो आपको किस वर्ष चलाया गया था। तो यह आपको 1917 में। उसके बाद है असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन जो है वो आपको गांधी जी के द्वारा 1920 से 1922 की अवधि में चलाया गया था, और चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। फिर आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि आपको 1930 से 1931 पहले टर्म में चला था, फिर आपको 1932 से 1934 तक, फिर बाद में क्या हुआ था कि आपको चला था। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब तक चला था? तो 1942 1944 तक। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और ये क्वेश्चन कई बार जो है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में जो है वो आपको पूछे जा सके हैं, मतलब पूछे जा चुके हैं। तीसरा आप याद रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम क्या कहेंगे, आजाद, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के क्या थे, क्या आपको अध्यक्ष थे। और आजादी से पूर्व सबसे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का जो रिकॉर्ड है वो आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के पास है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो का नेतृत्व कौन किया था, तो आपको महात्मा गांधी ने। और इस दौरान महात्मा गांधी ने एक नारा दिए थे आपको, करो या मरो का। तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि करो या मरो का जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे, तो आपको महात्मा गांधी ने। हालांकि अगर इसी में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो भारत छोड़ो का जो नारा है वो आपको यूसुफ मेहर अली ने दिया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या कहना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो 15 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और आप लोगों को समझने में कहीं से भी किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप लोग बताएंगे। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, तो प्रश्न को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि आपको इसके साइज को थोड़ा सा और भी बड़ा कर देते हैं। देखिए अभी इस प्रश्न को हम समझाए थे, ठीक है ना, स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा कि ये प्रश्न हम जस्ट अभी पढ़े हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है सुनिए, कि करो या मरो का नारा जो है वो किसने दिया था। तो देखिए करो या मरो का नारा जो दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन दिए थे, महात्मा गांधी ने दिए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो जाएगा डी। और कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन जो था वो आपको चलाया गया था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार के द्वारा साथियों ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और इस ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को क्या कर लिया गया था कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑपरेशन जीरो आवर का जो संबंध है वो किस आंदोलन से है, तो आप क्या कहोगे, भारत छोड़ो आंदोलन से। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक नारा दिए थे, उस नारा का नाम क्या है, तो समझिए वो है आपको डू और डर, यानी कहने का मतलब हुआ करो या मरो, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। तो 16 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है समझिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारी प्रश्न नहीं है, ठीक है ना। देखिए देखने में आपको बड़ा लगता होगा, लेकिन जितने भी बड़े प्रश्न आपको लगते हैं उसका आंसर जो होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है कि आपको छोटा होता है। समझिए यहां से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो थे आपको किया था, ठीक है ना। तो देखिए तो ये जो कराची अधिवेशन है ये आपको कब हुआ था, तो साथियों कराची अधिवेशन जो है वो आपको 1931 में हुआ था, जो कि आपको प्रश्न में ही लिखा जा चुका है, ठीक है ना। ऑप्शन ए कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद बी में कह रहा है जेएम सेनगुप्त, उसके बाद कह रहा है एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, और डी में कह रहा है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर जो जाएगा
सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो हम क्या कहेंगे, जानते हैं, वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब को बने थे, तो इसे भी आप लोग रिकॉल कर लेंगे, 1929 में लाहौर अधिवेशन में, 1936 लखनऊ अधिवेशन में, और 1937 भैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस की जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वहीं आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने आपको 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बने, 1938 में और 1939 में। वहीं जवाहरलाल नेहरू 1929 में और 1936 में और 1937 में। तो इन चीजों को याद रखना है। वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो ये आपको 1931 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है देशी राज्यों के एकीकरण के लिए क्या होते हैं, क्या आपको जाने जाते हैं, तो इन चीजों को भी साथियों आपको अच्छे से क्या करना है, क्या आपको याद रखना है, ठीक है ना। वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे, और दुनिया की जो सबसे ऊंची स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, जो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है कहाँ, तो ये आपको गुजरात में, और इसकी जो ऊंचाई है 182 मीटर यानी कि 597 फीट, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर ही क्या होता है कि आपको भारत में प्रति साल जो होता है वर्ष 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस जो होते हैं वो आपको 31 अक्टूबर को क्या होते हैं, क्या आपको मनाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो हम क्या कहेंगे, जानते हैं, 31 अक्टूबर को, किसके जन्म दिवस पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे। तो इन चीजों को भी साथियों अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 17 नंबर प्रश्न है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, कहते हैं कि 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए, कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण जो था वो आपको क्या था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो साइमन कमीशन है, सबसे पहले जान लीजिए कि यह भारत आया कब था। तो देखिए साइमन कमीशन 3 फरवरी, ठीक है ना, क्या है, 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। तो इन चीजों को याद रखना है। और इसमें पूछेगा कि बताइए कि साइमन कमीशन जो है भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, लेकिन इसकी जो नियुक्ति हुई थी वो कब हुई थी। तो देखिए साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी ना वो आपको कब हुई थी, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो थी वो आपको 1927 में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपको सर जॉन साइमन थे। तो देखिए साइमन कमीशन भारत आया, तो भारतीयों ने इसका क्या किया कि आपको विरोध किया, क्या किया, विरोध किया। उसके पीछे कारण क्या था, तो देखिए कह रहा कि समय से पूर्व नियुक्ति, तो ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा कह रहा कि सभी सदस्य अंग्रेज थे, तो देखिए तो इसके विरोध का जो कारण बना था ना वो यही बना था कि इसके सभी सदस्य क्या थे, तो आपको अंग्रेज थे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर, तो वो आपको 7 सदस्य थे, और साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे, तो सर जॉन साइमन थे। कौन थे, सर जॉन साइमन थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि सर जॉन साइमन जो है साइमन कमीशन के क्या थे, तो आपको अध्यक्ष थे। भारतीयों ने इसका विरोध किया, लोग जो थे बाहों पर काली पट्टी बांधकर इसका क्या किए थे, क्या आपको विरोध किए थे। और साइमन कमीशन जैसे ही बंबई पहुंचा लोगों ने नारा दिया, गो बैक साइमन कमीशन, अर्थात साइमन कमीशन वापस जाओ। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने गढ़ा था, तो वह आपको यूसुफ मेहर अली ने। किसने गढ़ा था, यूसुफ मेहर अली ने। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि साइमन कमीशन वापस जाओ, इसके अलावा भारत छोड़ो का जो नारा है वह कौन दिया था, यूसुफ मेहर अली ने। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है, तो साथियों साइमन कमीशन की जो नियुक्ति होती है वो आपको 1927 में होती है, और साइमन कमीशन में सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज, और उन सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वह आपको 7 थी। इन चीजों को याद रखना है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वे आपको सर जॉन साइमन थे। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 18 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, समझिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में वैद्य शासन प्रारंभ किया, क्या किया, प्रारंभ किया। देखिए यहाँ दिए गए ऑप्शन में से ही आपको चुनना है, और इस पे हम लोग बहुत ही डीप तरीके से एनालिसिस करेंगे, क्या क्या कह रही है जो
द्वैत शासन है आखिरकार होता है क्या। देखिए तो भारत में कह रहा है द्वैत शासन यानी डेयर की प्रारंभ किया गया था किस एक्ट के द्वारा। ऑप्शन ए कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, मार्ले मिंटो सुधार 1909 से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से और साइमन कमीशन 1928 से। तो देखिए तो ये जो आपको ठीक है ना, भारत में जो साइमन कमीशन सॉरी साइमन कमीशन कहते हैं द्वैत शासन ठीक है ना। तो भारत में जो द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से ठीक है ना, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था उसके द्वारा आपको क्या हुआ था कि बंगाल में सबसे पहले द्वैत शासन को क्या किया गया था, क्या आपको लागू किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यह लागू कब हुआ था। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो लागू हुआ था वो आपको 1921 में हुआ था। कितने में हुआ था, 1921 में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आती है कि सर प्रांतों में द्वैत शासन जो है किस एक्ट के द्वारा लगाया गया था, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे कि प्रांतों में द्वैत शासन को किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो याद रखिएगा तो प्रांतों में जो द्वैत शासन है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत केंद्र में जो था वो आपको द्वैत शासन जो था आपको लागू किया गया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद है क्या कि द्वैत शासन हम कहते किसे, तो सीधे एक सिंपल सी बात समझिए कि जब एक ही जनता दो अलग अलग लोगों के द्वारा प्रशासित होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वैत शासन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वैत शासन। और कंपनी काल में क्या हुआ था कि आपको बंगाल में द्वैत शासन जो लागू किया था वो आपको रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि कंपनी काल में किसके द्वारा आपको द्वैत शासन लागू किया गया था, तो हम क्या कहेंगे, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और कहाँ लागू किया गया था, तो वो आपको बंगाल में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है ठीक है ना। फिर यहाँ से एक टॉपिक आया मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स ठीक है ना। तो इसके द्वारा क्या हुआ था कि आपको मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का जो अधिकार है वो आपको दिया गया। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर कह रहा है साइमन कमीशन 1928। तो देखिए तो साइमन कमीशन 1928 के द्वारा क्या हुआ था, जानते हैं कि आपको इसके जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो आपको भारत आया था। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में द्वैत शासन प्रारंभ मतलब कि हुआ था किस एक्ट के द्वारा, तो आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और सबसे पहले द्वैत शासन कहाँ लागू हुआ था, तो आपको बंगाल में कंपनी काल में भी, और ये जो ब्रिटिश क्राउन का जो शासन था उस काल में भी क्या हुआ था कि ये जो द्वैत शासन है वो सबसे पहले आपको जो लागू हुआ था वो कहाँ लागू हुआ था, जानते हैं, तो वो आपको बंगाल में ही क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है कि प्रांतों में द्वैत शासन कब समाप्त कर दिया जाता है, तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ठीक है ना। तो 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया जाता है तो केंद्र में इसे क्या किया जाता है कि लागू किया जाता है। फिर पूछा जाएगा कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का जो अधिकार मिला था वो किस अधिनियम के द्वारा, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है 1909 के द्वारा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वह क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका जो थे वो आपको निभाए थे। मुख्य भूमिका की बात हो रही है ठीक है ना। देखिए तो सरदार पटेल का तो बहुत सारे आंदोलन में मुख्य भूमिका था सॉरी भूमिका थी, लेकिन मुख्य भूमिका जो थी वो किसमें थी या कहा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है बिजोलिया आंदोलन, ऑप्शन बी कह रहा है डांडी मार्च, ऑप्शन सी कह रहा है अहमदाबाद अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल यानी कि अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन, और ऑप्शन डी कह रहा है बारदोली सत्याग्रह। तो देखिए सरदार पटेल ने ये जो बारदोली सत्याग्रह है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो ये जो बारदोली सत्याग्रह है यह कब हुआ था, तो 1928 में। और बारदोली सत्याग्रह के सफलता के बाद क्या हुआ था कि बारदोली की महिलाओं की ओर से क्या हुआ था कि सरदार पटेल को क्या हुआ था कि आपको सरदार की उपाधि जो है वो आपको महात्मा गांधी के द्वारा जो है आपको दिया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो हम कहेंगे बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने दिए थे। तो इन चीजों को याद रखना है। ऑप्शन में एक आ रहा है आपको डांडी मार्च, तो यह डांडी मार्च जो है आपको 12 मार्च 1930 से, कितना से है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल ठीक है ना 1935
30 तक जो था वो आपको चला था, यानी कि 24 दिन चला था। अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन जो है यह आपको 1918 में हुआ था। क्या हुआ था 1918 में? तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न कर रहा है वो क्या कह रहा है समझिए। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है बड़ा है लेकिन इसका जो आंसर है वो एकदम क्या है कि आपको छोटा है। क्या है? छोटा है। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक बार और समझिए, ठीक है ना। कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो यह आपको अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद। तो याद रखिएगा कि ये जो साबरमती आश्रम है, ठीक है ना, यह आपको कहाँ है? तो यह आपको अहमदाबाद में। क्या है? अहमदाबाद में। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर गांधी जी के द्वारा स्थापित कुछ आश्रम का नाम जो है वो आप बताइए। तो देखिए तो गांधी जी के द्वारा स्थापित जो कुछ आश्रम है उस आश्रम का नाम जानिए। तो एक जो है सबसे पहले याद रखिएगा फिनिक्स फार्म। क्या है? फिनिक्स फार्म। यह गांधी जी के द्वारा स्थापित क्या था कि आपको आश्रम था। उसके बाद है दूसरा आश्रम, वह आपको टॉल्स्टॉय आश्रम। क्या है? टॉल्स्टॉय आश्रम, ठीक है ना। कौन सा आश्रम है बताइए? तो आपको टॉल्स्टॉय जो आश्रम है वह है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है क्या, आखिरकार ये जो टॉल्स्टॉय आश्रम है यह क्या है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी, इस चीज को भी आपको क्या करना है कि आपको समझना है। तो देखिए दूसरा आश्रम है वह है आपको टॉल्स्टॉय आश्रम, और तीसरा आश्रम जो है गांधी जी के द्वारा स्थापित वह है आपको साबरमती आश्रम। कौन है? साबरमती आश्रम। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, साबरमती आश्रम। उसके बाद जो है आपको चौथा जो है जो गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम है वह आपको कौन है? तो वह है आपको सेवाग्राम आश्रम। क्या है? सेवाग्राम आश्रम। तो देखिए ये सभी आश्रम जो है गांधी जी के द्वारा क्या है कि आपको स्थापित है। तो साथियों यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा क्या कि बताइए कि ये जो फिनिक्स फॉर्म है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए गांधी जी आपको डरबन में यानी कि दक्षिण अफ्रीका में 1904 में इस आश्रम की क्या कहते हैं कि आपको स्थापना किए थे। वहीं टॉल्स्टॉय आश्रम की जो स्थापना होती है वो आपको 1910 में होती है। कितना में होती है? 1910 में। देख लीजिएगा छोटा लिखे हैं अगर नहीं बुझाएगा तो। और साबरमती आश्रम की जो स्थापना होती है वो आपको 1917 में। कितना में? 1917 में। और सेवाग्राम आश्रम जो कि आपको 1936 में गांधी जी के द्वारा स्थापित होती है आपको वर्धा महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो देखिए कौन आश्रम कहाँ है? तो फिनिक्स आश्रम जो है वो आपको कहाँ है? तो डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1910 में जो किए थे वो आपको कहाँ किए थे? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1917 में हुआ था कहाँ? तो हम कहेंगे आपको अहमदाबाद यानी कि गुजरात भारत में। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना 1936 ईस्वी में क्या हुआ था कि गांधी जी के द्वारा वर्धा में किया गया था। तो ये जो वर्धा है ये आपको है कहाँ? तो ये आपको महाराष्ट्र में। तो यहाँ से एक बात आती है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? तो देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे और वहां से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। कितना को लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो आपको एनालिसिस हो रही है यह केवल आपको 12th के जो एग्जाम देंगे यानी बिहार बोर्ड वाले बच्चे उनके लिए नहीं, बल्कि यह जो एनालिसिस है कम्पिटेटिव स्टूडेंटों के लिए भी है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने भाई बहन को भी सूचित कर देंगे जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको भी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का एनालिसिस हम पहले भी कर दिए हुए, ठीक है। तो देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, पटावी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि आपको बताए थे कि जब सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिए थे तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपको कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो आपको बने हुए थे। तो इसे हमें बताने की आवश्यकता है ही नहीं। और त्रिपुरी जो अधिवेशन है वो आपको कहाँ हुआ था? तो यह आपको मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ज्यादा एनालिसिस इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसका एनालिसिस जो
पहले भी आपको हो चुका है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। शानदार प्रश्न इसको कहिए, कंपिटेटिव एग्जाम में बराबर जो है यह प्रश्न पूछा जाता है। देखिए प्रश्न क्या है आपका, सबसे पहले इसे समझिए। कह रहा है कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ऑप्शन ए कह रहा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जेवी कृपलानी, महात्मा गांधी, ठीक है ना, और डी में कह रहा है जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है ना। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये चीज आपको नहीं देखना है, इसको मिटा ही देते हैं। देखिए ब्लर कर दिए हैं, आप इसे समझिएगा, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है वो क्या किया जाए कि आपको जो कांग्रेस है उसको समाप्त कर दिया जाए, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगी, क्या आएगी, एक प्रश्न और आएगी। क्या प्रश्न आएगी जानते हैं कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे कौन थे, तो ये आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने 1959 ईस्वी में क्या किए थे कि आपको स्वतंत्र पार्टी जो थे वो आपको बनाए थे। उसके बाद जेवी कृपलानी जो कि आजादी के समय कांग्रेस के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे, इन चीजों को याद रखना है। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का क्या किए थे कि आपको नारा दिए थे, ठीक है ना, पटना के गांधी मैदान से। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और इनकी एक जो पुस्तक है बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम आपको याद रखना है, रिकंस्ट्रक्शन, क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, क्या है, इंडियन पॉलिटी, ठीक है ना। तो देखिए तरी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो क्या कहेंगे, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। और इन्हें लोकनायक, बाउल और जेपी के नाम से भी क्या है कि आपको जाना जाता है। 1977 में जनता पार्टी के गठन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जो थे वो आपको निभाए थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले इसका आंसर जान लीजिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यह त्रिपुरी कहाँ है। तो देखिए तो यह जो त्रिपुरी है साथियों, ठीक है ना, यहाँ पे पहले समझिए, थोड़ा सा इसको और भी बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यह छोटा है तो थोड़ा सा और इसे बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये जो त्रिपुरी है साथियों, यह आपको कहाँ है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कलकत्ता, ऑप्शन बी कह रहा है पुणे, ऑप्शन सी कह रहा है जबलपुर, ऑप्शन डी कह रहा है अहमदाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर। और जबलपुर वो जो है वो आपको कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। और त्रिपुरी अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे कौन किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किसको हटा, मतलब हरा कर, तो पटावी सितारमैया को हरा कर। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है, इसे आप लोग समझेंगे। देखिए कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में क्या कहते थे कि आपको लौटे थे। देखिए ये प्रश्न जो है वो आपको क्या है, इसका आंसर जो है वो आपको थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, ठीक है ना। हम यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं गांधी जी के जो जीवन से जुड़े हुए हैं, तो आप उसे वहां से देख लेंगे। जैसे देखिए इसका जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है वो प्रश्न के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1893, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में है आपको 1888, ऑप्शन नंबर सी जो है आपको 1915, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको 1917। अब प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अब समझिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे। ऑप्शन ए कह रहा है 1893, ऑप्शन बी 1888, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1917। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से क्या हुए थे कि आपको भारत जो थे वो आपको वापस लौटे थे। अब यहाँ पे बात आई 1893, तो देखिए 1893 में क्या हुआ था समझिएगा कि गांधी जी जो है वो आपको दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला के बुलावे पे। 1888 में गांधी जी जो है पहला विदेश यात्रा किए थे इंग्लैंड का, जहाँ ये वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। 1915 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, और 1917 में गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन किया गया था जिसका नाम है आपको चंपारण सत्याग्रह। क्या है, चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए साथियों, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। तो आज के सेशन में हम इतने ही प्रश्नों का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर
कल जो है हम इससे आगे के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। जब तक साथियों आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।